जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी छोटी सी छोटी बातें कैसे देखते हैं और उसको सुनते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। जैसे कि पिछली एक वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची ने श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक मैसेज दिया था कि कैसे उसको उसके स्कूल में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश है। उस पे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस के लिए, तो हम देखेंगे कि व्हाट पाकिस्तानी पीपल थिंक्स अबाउट दिस, देन वी विल गिव आवर रिएक्शन। कितने आए और उनकी ठेस क्या क्या कंकन मारेंगे उठाए गोड़ हमारे पास कुछ नहीं है वाम को देने के लिए। और वीडियो में और आर वन टू वन कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा 10 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप में ऑलरेडी मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं। इंडियन है हमारे कोई भी नहीं है, हम अभी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मैसेज दिया कि हमें अच्छा स्कूल चाहिए, अपने स्कूल की कंडीशन दिखाई जिसमें ये दिखाया गया कि अच्छे वॉशरूम चाहिए, अच्छे क्लासरूम चाहिए। और वो वीडियो जब वायरल होती है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचती है, तो वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हैं और रेनोवेट करने का ऑर्डर करते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पर हम ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर स्कूल जाने पर पाबंदी है, वहाँ पर लड़कियों को आजादी नहीं है। और दूसरी साइड पे यही चीज जब हम देखते हैं कि फौरी तौर पे नोटिस लिया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस तरीके से नोटिस लेते हैं? क्या हमारे सीएम साहब भी इस तरीके से नोटिस लेते हैं? जानेंगे इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हाशिर। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें पहले, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, जो भी पार्टीज हैं आपस में मसरूफ हैं, आपस की अपोजिशन में, लड़ाइयों में या मुखालफत में मसरूफ हैं, पब्लिक की कोई सुनता है या नहीं सुनता? गवर्नमेंट पार्टीज क्या, आप तमाम स्टेक होल्डर की बात कर ले जो जिनका हिस्सा है इस मुल्क में, कोई भी नहीं सुनता, सबको अपनी चेयर या पैसे की पड़ी है। ठीक है। अच्छा, अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर से एक वीडियो वायरल हुई है जहां एक छोटी सी बच्ची है जो एक वीडियो बनाती है जिसमें वो ये कहती है कि हमें एक अच्छा स्कूल चाहिए, हमें अपना जो मेरा स्कूल है उसके लिए अच्छी क्लासरूम चाहिए, इस तरीके से। और वो वीडियो उनके प्राइम मिनिस्टर तक जाती है और वो उसके ऊपर प्रॉपर जोन है वो नोटिस लेते हैं और रेनोवेशन का ऑर्डर दे देते हैं कि जल्द ही इसको रेनोवेट करवाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके हवाले? सर हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर, कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर रखे कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम बेच दें, ठीक है जी कश्मीर है, हमें खतरा है यहाँ से, इंडिया से खतरा है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी बस जंगे हैं, ठीक है, लड़ लिया, वजीर अजम को वजीर अजम हाउस में ले आए या उसको निकाल दिया, यही है। मिलिट्री की भी है, सब तमाम स्टेक होल्डर। हम नारा तो कश्मीर कश्मीर का लगाते हैं, हम कहते हैं सिर्फ ये कि नारा है सिर्फ। अब आप जो उस साइड पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे स्कूल बन रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, वहाँ उनके वहाँ पे जो मैंने खबर सुनी है कि जो रेलवे सिस्टम है, जो रेलवे ट्रैक है, वो पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सिटीज़ हैं उनके साथ अटैच कर रहे हैं उसको, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देख कर हमारे साइड के कश्मीरी क्या सोचेंगे? सर देखिए, इंडिया की प्रायोरिटी जो है ये इंडिया की गवर्नमेंट देख लें आप या इनको निज़ाम। आपका पहले इलेक्शन कब हुआ था? 1970s में। उनका कब हुआ? 3 साल बाद। आपके कितने मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और उनके कितने हैं, या आपके वजीर आजम कितने आए और उनके, तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा से उनकी आवाम है, ठीक है, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो फिफ्थ इकोनॉमी आने वाले दौर की, इंडिया तो बन चुके हैं, फिफ्थ तो बन चुके हैं, थर्ड इकोनॉमी। अब देख लें आपके चाइना हो गया, यूएई, सारे आपस में क्या कर रहे हैं, एक मुतहद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर जंगों का नहीं है बल्कि फ्यूचर पढ़ाई का, तालीम का, टेक्नोलॉजी का। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगी, और लेट्स सपोज हमें पता चल चुकी है तो ये पब्लिक को कैसे पता चलेगी? आप इस बात से एग्री करते हैं कि आज भी हम ये किसी को भी, मैं कहूँ कश्मीर के नाम पे या फिर मजहब के नाम पे, किसी को भी एक मिनट पे हम जो है वो नफरतों में से भर सकते हैं, तो कब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कश्मीर कश्मीर वाला चूरन छोड़ें, डेवलपमेंट की तरफ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, एजुकेशन की तरफ आए, जैसे कि इंडिया कर रहा है? सर देखिए, कश्मीर क्या, हमारे अंदर रिलीजियस हेट भी आपने देखे तो हम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चूरन सबसे ज्यादा बिकता है आवाम तो के। करना है ना, मैंने और आपने खत्म करना है, अगर हम ये सोचेंगे नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी आवाम को सही तरीके। तो भाई ये सबसे सीधी बात है, आप कश्मीर का चूरन पकड़ो या कश्मीर का लॉलीपॉप पकड़ो, आप बस उसे लेके चूसते रहो या पानी के साथ खाते रहो, होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी सेंटर में दो बैठे हैं ना,
प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, वो सिर्फ लमचूस ही देंगे और चूरन ही देंगे तुमको कश्मीर के नाम पे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आप लोग कश्मीर के नाम पे। बताएं ना आप, सही तरीक पढ़ाएं उनको, बताएं कश्मीर कहाँ से शुरू हुआ, कि हमारे मुल्क कैसे बना, रिलीजियस हेट कैसे आया, जब तक आप ही नहीं बताएंगे आप की क्या हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री आपको अगर पता आपको ही बताया कि कैसे हमने फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर जैसे हुए में हमने क्या किया उनके लिए, सिर्फ जंगे की है ना, तो यही चीज़ है, डीप हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद और हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमने वो चीज़ें देखनी जिससे हम आवाम के सेंटीमेंट्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये कब तक हम कंट्रोल कर सकेंगे कि एक तो ये चीज़ है, और कब तक ऐसे चलेगा? देखें पाकिस्तान नीचे से नीचे आ रहा है, आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल आ रहा है, नीचे आ रहा फिर है। ये इसी वजह से आ रहा है ना कि हमने हिस्ट्री नहीं सही बताई, इसी वजह से आ रहा है कि जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर हमने वर्क नहीं किया, हमने आवाम को पब्लिक को किसी और साइड पर लगाया। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा, अल्लाह ना करे, जब हम अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो चुका है, एक टाइम आएगा प्रॉपरली हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, फिर हम क्या, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? कब तक झूठ झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। सर आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, आप देख लें कि इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में क्या है, कोई भी नहीं। जो टेक्सटाइल की थी वो एक साल में और नीचे आ गई है, तो हमें आवाम को शऊर देना पड़ेगा, आवाम के साथ सच बोलना पड़ेगा, अपने साथ सच्चा होना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ गया, इंडिया की अगर प्रायोरिटी सेट हुई, उनका विजन क्लियर हुआ, तो उनकी गवर्नमेंट ने किया, उनके अदारों ने किया, या उनके पब्लिक ने किया, उनके लीडर से, उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स दिए, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम 5 साल के लिए आ जाएं, ये ऐसे गोल दें, मेट्रो बना दें, या ठीक है ना वो गोल दें जिससे आवाम को जरा काबू कर सके, चूरन बेचें, उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल दिए 10-10, 20-20 साल के। इंडिया में देखने IIT यूनिवर्सिटीज हैं टेक्नोलॉजी, उनके बच्चे कोई हर बड़ी यूनिवर्सिटी में Fortune 500 कंपनी में CEO इंडियंस हैं, हमारे कोई भी नहीं है। हमारे वो यूनिवर्सिटी नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो CEO आए दिन हम सुनते हैं कि जी इंडियन ओरिजिन या इंडिया का जो सा बंदा है वो ऐसे CEO बन गया, कभी वो किसी कंपनी का बन गया, कभी वो गूगल का बन गया, कभी माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, कब इवन अब तो PM तक जो से, अगर UK की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। इसका मतलब है विजन की क्लैरिटी नजर आती है। हमारे यहाँ पे आज भी यही सोच अड़ी है कि भाई आपने डेवलपमेंट का नाम भी लिया तो आप फॉरन झंडे पे हो, आपने इंडिया की तरक्की का नाम लिया तो आप फॉरन झंडे पे हो, इंडिया ने झंडे पे हो, ऐसी सोच से हम आगे निकल सकते हैं? सर मेरा नहीं ख्याल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन आप हालात देख लेना हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। अभी आप देख लें कि कल चाइनीज को जेल में, बहुत ही नेगेटिव पॉइंट में है भाई, इसको कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से। मुझे लगता है ये अपनी डिग्री खत्म करते ही सीधे बाहर भागेगा, बस वेट कर रहा है कैसे इसकी BTEC इलेक्ट्रिकल की डिग्री खत्म हो और ये पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए वो ब्लास्ट स्वामी पे। तो हमारे हमें हमारे कंट्रोल करने वालों को भी पता है कि इनका वीक पॉइंट क्या है, तो वो हमें उस हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। दिल करता है जिस कंट्री के गेम्स हमें करना चाहिए बस, इजीली कर सकते। आप बात करते हैं इसराइल की, ठीक है ना, तो हमने अपने मुल्क में क्या किया है दूसरे रिलीजन माइनॉरिटीज के साथ? बड़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने जो मिनोरिटीज की बात की है, मैंने खुद सिंध का विजिट किया, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की क्या कंडीशन है, इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अगर देखें मिनोरिटीज की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर भी जो बात करता है तो फिर ये कह दिया जाता है कि भाई ये भी गदार है, मतलब हम चाहते नहीं है ना, प्रायोरिटीज नहीं है, गदार एजेंट एजेंट का कंसेप्ट हम खत्म क्यों नहीं करते, मतलब दूसरे नंबर पे मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है हमारी है, लेकिन हम कब तक कर सकते हैं? हमारे अंदर हर्ड मेंटेलिटी आ गई, एक नफरत की मेंटेलिटी है, ठीक है, जो हमेशा साथ मेरा ख्याल रहेगी, जब तक हम अपने आप को शऊर नहीं देंगे, अपने साथ सच नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि हकीकत क्या है। ऐसे ही है बिल्कुल, जब तक हम सच नहीं, ना खुद सच को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही दूसरों को बताएंगे हम। सर भाई एक क्वेश्चन है आपसे कि आप सिंध से इतनी जल्दी क्यों भाग गए? आप तो शायद 1-2 वीक के लिए सिंध गए थे, 2 डेज में ही वहां से भाग गए या भगा दिए गए, इसका जवाब जरूर दीजिए, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब में कि सिंध से आप 2 दिन में ही क्यों वापस आए। की तरफ नहीं जा सकते, और यही रोना मेरा है जो कि मैं रोता हूं कि भाई उठो, अभी भी सच का सामना करो, सच का सामना करो, नफरतों को खत्म करो और पाकिस्तान को आगे लेकर जाओ। कोई मैसेज देना चाहे, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच जानकर बहुत अच्छा लगा, आप एक हकीकत पसंद यूथ हैं, यही सोच पाकिस्तान की पब्लिक की कैसे हो सकती है, यूथ की कैसे हो सकती है? अपने अंदर से एक रिलीजियस हेट, ये वो चीजें जो आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट करती है, उनको कंट्रोल करें, ठीक है, मिनोरिटीज को उनका हक दें, कोई भी है, शिया सुनी कादियानी या कोई भी आप कह लें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद अपने आपसे सच बोले, थोड़ा पढ़े कि क्या हकीकत है, अपने आपको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए कि छोड़ दें कि जिस इस्लाम ने ये कह दिया वो कह दिया, इस्लाम ने भी छोड़े, आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप डट के जो इस्लाम का गलत इस्तेमाल करना छोड़े, आप ये चीज मतलब आप अपने तक रखें। आप देख लें कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि हमारा एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर,
क्या कहते हैं अब्दुल सलाम थे, उसका हमने क्या हाल किया है? हमने वो कादियानी बोला और उसे अभी भी नहीं मानते। तो आप जब तक टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे और रिलीजियस को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, इंडिया बड़ी मजे की बात है, इंडिया की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, अगर इंडिया इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है आईटी में, तो क्या वहाँ पे भी तो हमारे से ज्यादा मजहब है? यहाँ पे तो फिर थोड़े से हिंदू हैं, थोड़े से ईसाई हैं, थोड़े से सिख हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में मुसलमान है, बड़ी तादाद में वहाँ पे वो जो से सिख भाई हैं, बड़ी तादाद में क्रिश्चियन है, क्या वहाँ पे भी यही चीज़ें चलती हैं या वो आगे निकल चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है? किसी हद तक तो वहाँ पे भी फासिज्म है, आपने अगर मोदी की हुकूमत देखी, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं, यूथ में अब सोच बदल गई है, ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई, आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? भाई साहब अगर मोदी फासिज्म होता ना तो इंडिया यहाँ पे नहीं पहुंचा होता, पिछले अपने दो टर्म में कह लीजिए 9 सालों में जितना उसने इंडिया को ग्रो करवाया है इंस्पाइट बीइंग कोरोना पीरियड, जिसपे 2 साल 2.5 साल आप निकाल दीजिए, तो ये आप लोग मोदी गवर्नमेंट को फासिज्म फासिज्म गवर्नमेंट फासिस्ट गवर्नमेंट कहना छोड़ दीजिए, वो अपनी सरकारों की तरफ मत समझिए। मोदी गवर्नमेंट का एक ही नारा, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं सही है, थोड़ा बहुत होता है। खुर्रम खान क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूं छोटा सा अपना एक। ठीक है, हाँ। बिजनेस करते हैं। आई थिंक आप कहीं पहले भी हमारी वीडियो में आए हैं, कोई बात हुई है हमारी पहले, और अनारकली बाजार में ही हुई है। ठीक है, मुझे पहला सवाल ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं कि अच्छे लीडर की या अच्छे प्राइम मिनिस्टर की, अच्छे हुक्मरान की निशानी क्या है? सर देखें, अच्छे हुक्मरान की निशानी मैं एज ए पाकिस्तानी जो देखते, इनको शर्म नहीं आती कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं? हम आज भी 80-90 की सियासत कर रहे हैं, ये हम आम आदमी, हम आवाम है, हमें पता है कि दुनिया के अंदर रहने के लिए किस तरह की। जो वीडियो जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कोई चीज छुपी नहीं रहती, यही वीडियो हमारे साइड पे जो कश्मीर है उन तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल, उनको क्या फील होता होगा कि यार वो देखें जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो के ऊपर स्कूल बना दिया, वैसे तो डेवलपमेंट देख रहे हैं। हमारे जो वजीर आजम, हमारा जो यहाँ का वजीर आजम था कश्मीर का, उसको सिर्फ अपनी दुश्मनियों की वजह से, अपनी जाति पसंद नापसंद की वजह से उसको साइडलाइन कर दिया। वो यार वो क्या फील करते होंगे जो जब ये वीडियो देखते होंगे, क्या फील करते होंगे आपके सर? जो कश्मीर हमारे, देखिए पता क्या बात है, देखो कॉम्प्लेक्स पता क्या बात है, अगर हम जब ये लोग वीडियो देखते होंगे ना, वो यही सोचते होंगे यार ये हमसे बहुत पीछे चले गए हुए हैं, हम जो है ना हम अपने ट्रैक पे चढ़ चुके हुए हैं। ठीक है ना, देखो ना, एक जो जिस इंसान ने कोई चीज़ पता की हो ना, वो अपने लेवल पे चल रहा होता है, अचीवमेंट बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है, वो अपने लेवल पे चल रहा होता है, नीचे देख के उसको किसी लेवल पे रह के खुशी भी होती होगी, किसी लेवल पे रह के दुख भी होता होगा, यही कह सकते हैं किसी के बारे में। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको आप मुझे बताएं कि जैसे ये वीडियो पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वीडियो हमारे साइड पे जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है उन्होंने भी देखी होगी, वो क्या फील करेंगे कि यार जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वो देखो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हम आजाद कश्मीर में रहते हुए आटे के लिए रो रहे हैं? ये तो मामला तो उनके सब भाई, वो लोग देखेंगे कैसे वीडियो, उनके पास तो नेट ही नहीं है, बेचारों को सिम कार्ड लेने के लिए मिलिट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, उनको उनका पूरा नेटवर्क मॉनिटरिंग मिलिट्री करता है, बेचारे वो देखेंगे कहाँ से, तो सारा स्क्रूटनाइज, इसीलिए तो उनको नहीं पता है कि इंडियन कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि उनका पूरा नेटवर्क स्क्रूटनाइज है, जो मिलिट्री चाहती है वही उनको दिखाती है। साथ है ये उनके तो आमदोरफ तो रहती है, मकबूजा कश्मीर से और आजाद कश्मीर से लोग आते जाते रहते हैं, ये इनको ज़्यादा पता, आते जाते रहते हैं अभी भी, हाँ जी रैली उनके आते जाते रहते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं लोग, इनको ज़्यादा पता है हमसे, वहाँ पे महंगाई कम है, वहाँ पे आटे का रेट कम है, वहाँ पे आलू, ये हमारे ये चीज़ें तो हमारे सियासतदानों को सोचने देना कि अपनी आवाम को कैसे रिलीफ देना, उन्होंने किस लिहाज से रिलीफ देना, अब हम महंगाई में पिसते जा रहे हैं, जिस लेवल पे हमारा गरीब आदमी तबका काम कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपये सैलरी में घर चलता है, जिसका घर किराया का घर हो वो तो बिल्कुल नहीं चलता भाईजान, वो तो खाना पूरा करे। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, कॉस्मेटिक का, मेरी है 70-80 थाउजेंड है, गुजारा होता है, बस बेहतरीन नहीं होता, 20,000-25,000-30,000 सैलरी है उसका, ये गुजारा हो रहा है भाईजान, 20,000 सैलरी उसका कुछ भी नहीं हो सकता भाई, वो मांगेगा ही बस पैसे कि यार 5,000 मुझे दे दो, 10,000 मुझे दे दो, वो उसके बाद दे नहीं सकेगा, और फिर हमारा
में जो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है वो यही जाता है कि हम एड लेके अपना कंट्री को चलाते हैं। हम कर्जा लेके चल रहे हैं सारे, हमारी आवाम भी वैसी चल रही है, अब आवाम के पास भी पैसा नहीं ना। अब फिर भी हम यही कहेंगे कि भाई ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है, इन चीज़ों पे बात करने का मकसद ये है कि अभी भी आप अपनी पब्लिक के साथ इंगेज हों, आप अभी अपनी पब्लिक का सुने, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है ये सुने, तो शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या अदारे हों, आपस में लड़ेंगे, आपस में इश्यूज होंगे, तो शायद पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, पब्लिक का भी नुकसान होगा और अदारों का भी नुकसान। तो भाई ये बात है, आपने बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही चीज से काम चल रहा है, मांग का। जहां भी देखो, व्हेन पाकिस्तान गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तब से पाकिस्तान मांग ही रहा है। उस समय 1947 में भारत से मांगा, उसके बाद से ब्रिटेन, इंग्लैंड से मांगता रहा, फिर IMF से मांग रहा है, फिर बीच में अमेरिका से मांग रहा है, फिर बीच में पूरे इस्लामिक कंट्रीज से मांग, कभी सऊदी अरब से, कभी तुर्की से, कभी UAE से, कभी दुबई से, अभी फिर IMF से मांग रहा है। जब सबने मना कर दिया तो फिर IMF के आगे भीख मांग रहा है, ऊपर से आंखें दिखा के कि हमने सारी शर्तें मान ली, अब तो मुझे भीख दे दो। तो शायद क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आप कुछ बनाते नहीं है, आप अपने आवाम को धर्म का चूर्ण खिलाते हैं, धर्म का चूर्ण खिलाते खिलाते 75 साल बीत गए, वैसे ही आपकी आवाम चूर्ण ही खा रही है, आटा तो खाने के लिए उसके पास है नहीं। तो बेहतर है आप अपने आवाम पे ध्यान दें, इंडिया की तरफ कम देखें। होप कुछ यूथ हैं जिनके दिमाग खुल रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें 75 सालों से चूर्ण और लॉलीपॉप दिया जा रहा है। होप नेक्स्ट आने वाली एक दो जनरेशन में वो लोग सुधर जाएंगे और हो सकता है कभी फिर पाकिस्तान तरक्की कर जाए, थोड़ा आटे का दाम कम हो जाए, या हम कुछ उन्हें दे दें वीक में, गेहूं या आटे। ओके, जय हिंद, जय भारत।